आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, वह है आपका थायराइड ग्लैंड। नहीं, इसे पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, हाइपोथैलेमस ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। जहां हाइपोथैलेमस ग्लैंड एक प्रेसिडेंट के फॉर्म में काम करता है, वहीं पिट्यूटरी ग्लैंड एक प्राइम मिनिस्टर का रोल अदा करता है। तो जो भी ग्लैंड है वो रिलीज करवाता है हाइपोथैलेमस। यहां भी अगर देखे हम, अगर कहा जाए ये थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड कहां होगा? ये कहा जाता है नेक रीजन में। कहां होगा? नेक रीजन में। तो आप जानते हैं इस ग्लैंड के लिए भी क्या करेगा हाइपोथैलेमस। ये जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है ये प्रोड्यूस करेगा, क्या करेगा? ये प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करता है TSH रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा करेगा? ये TSH रिलीजिंग हार्मोन। और ये कहेगा किसको? ये कहेगा एंटेरियर पिट्यूटरी को। किसको? एंटेरियर पिट्यूटरी को। अब जानते हैं ना कि क्योंकि ये क्या है, ये इंडोक्राइन ग्लैंड का, ये इंडोक्राइन ग्लैंड का ही सारा क्या है, ये ग्लैंड है जो कहां से सिक्रीट हो रहा है, कहां से रिलीज हो रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटेरियर पार्ट से। हम वहां डिस्कस कर सके हैं कि पोस्टीरियर पार्ट क्या होगा। वहां हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज करता है दो तरह का हार्मोन, जिसको क्या कहता है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, जिसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहा गया था। वहीं जो ये है, ये हाइपोथैलेमस क्या करेगा, ये हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है TSH रिलीजिंग हार्मोन। और ये कहता है किसको? एंटेरियर। ये कहेगा एंटेरियर पिट्यूटरी को कि क्या करेगा कि प्रोड्यूस कीजिए, ये कहेगा किसको, प्रोड्यूस कीजिए हार्मोन किसको, थायराइड ग्लैंड को। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये एंटेरियर किसको कर रहा है कि प्रोड्यूस कीजिए हार्मोन। कौन सा हार्मोन? तो कहेगा किसको, थायराइड ग्लैंड को कि आप प्रोड्यूस कीजिए हार्मोन। तो वो प्रोड्यूस करता है जो हार्मोन, नहीं ये जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहा जाता है, ये दो तरह का हार्मोन प्रोड्यूस करता है। एक को कहते हैं T3 एंड दूसरे क्या कहते हैं, T4 हार्मोन्स कहा जाता है। क्या कहते हैं ये, क्या प्रोड्यूस करता है थायराइड? दो तरह का हार्मोन, जो T3 और T4 हार्मोन्स, जिसको कहा जाता है कि ट्राई आयोडो थायरोक्सिन एंड टेट्रा आयोडो थायरोक्सिन कहा जाता है। मतलब ये T3 का मतलब हुआ ट्राई आयोडो थायरोक्सिन और T4 का मतलब हुआ टेट्रा आयोडो थायरोक्सिन। ये दो तरह का हार्मोन सिक्रीट करता है। राइट डाउन, तो आप क्या देखा कि आप जानते हैं कि ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, ऑर्डर कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है और कह रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी को कि आप सिक्रीट, या आप उसको कहिए कि थायराइड ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करे। तो दो तरह का हार्मोन है, एक T3 और T4। आप जानते हैं कि थायराइड ग्लैंड ये नेक रीजन के पास पाया जाता है, नहीं जो सिक्रीट होता है हार्मोन वो ब्लड वेसल के जरिए कहा जाएगा, ये ब्लड वेसल के जरिए जाता है आपको, ब्लड के जरिए कहा जाएगा थायराइड ग्लैंड में, और वो पहुंचता है थायराइड ग्लैंड में। तो आप जानते हैं ये नेक रीजन के पास होता पाया जाता है
जहां क्या होता है, जहां आपका जो है ट्रैकिया के जो विंड पाइप है दोनों साइड बॉथ साइड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर के पास जो दो लोब्स होता है, जो दो लोब्स में डिवाइड रहता है, एक लोब्स ये हुआ और दूसरा ये, दूसरा लोब्स हुआ, तो दो लोब्स में डिवाइड रहता है और उस लोब्स में क्या होता है, मतलब है कि ईच लोब्स में दो लोब्स होता है मतलब, और दूसरे लोब्स में भी दो होता है, तो ऐसे को कहा जाता है पारा थायराइड ग्लैंड। क्या कहेंगे? पारा थायराइड ग्लैंड, जो हम थायराइड ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप जानते हैं कि ये लोब्स में डिवाइड रहता है, ये जब थायराइड ग्लैंड जो एक लोब्स में है वो ये फॉलिकल में क्या होता है, सेल डिवाइड होता है फॉलिकुलर सेल में, फॉलिकुलर सेल में डिवाइड रहता है जिससे सिक्रीट होता है T3 एंड T4। क्या समझे? जो फॉलिकुलर सेल है उसमें कैविटी होती है और उस फॉलिकुलर सेल से कैविटी से दो तरह का हार्मोन निकलता है, एक को कहते हैं ट्राइआयडोथायरोक्सिन एंड दूसरे को कहा जाता है टेट्राआयडोथायरोक्सिन। मतलब हुआ, आप जानते हैं ना कि इसमें तीन आयोडीन ग्रुप है तो ट्राई के फॉर्म में होगा, इसमें चार आयोडीन ग्रुप है तो वहां क्या होगा, वहां टेट्रा होगा। तो ये जो हार्मोन है ये क्या करेगा, ये आयोडीन के को क्या करता है, ये सिंथेसाइज करता है आयोडीन को, ये नॉर्मल रखता है। तो अब होगा क्या, अगर ये दोनों हार्मोन की डिफिशियंसी और इफिशियंसी से नहीं, डिफिशियंसी और इफिशियंसी से क्या होगा, या डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग से क्या होगा, तो आप जानते हैं कि अगर ये डिफिशियंसी, जब डिफिशियंसी होती है, डिफिशियंसी मतलब क्या होता है कि आपके फूड में आयोडीन की कमी हो जाएगी, जब आयोडीन की कमी होगी तब जानते हैं कि आयोडीन के कमी से कौन सा बीमारी होती है, आयोडीन की डिफिशियंसी जो बीमारी होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ग्वाइटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्वाइटर, जिसको घेगा रोग कहा जाता है, घेगा डिजीज कहा जाता है। क्यों होता है वो, आप जानते हैं कि इसमें डिफिशियंसी और इफिशियंसी में एक होता है हाइपोथायरॉयडिज्म और दूसरा होता है हाइपर थायरॉयडिज्म, नहीं दो तरह होता है। अगर हाइपो की बात करें वहां क्या होगा, डिफिशियंसी होगी आयोडीन की, अगर हम हाइपर थायरॉयडिज्म की बात करें वहां इफिशियंसी होगी। कहते हैं हाइपरटेंशन हाइपोटेंशन, ब्लड का जब आपका ब्लड प्रेशर लो होता है तो वहां हाइपोटेंशन होता है, जब आपका इंक्रीज करता है तो क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है। वही सेम यहां केस है कि हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म में डिफिशियंसी होती है, जो डिफिशियंसी क्या करेगा, ये डिफेक्ट करता है, ये डिफेक्ट करता है। अगर चाइल्ड की बात करें तो आप ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ये बहुत ही इफेक्ट करता है फीटस को, बेबी को, कि वहां क्या हो जाएगा, वहां होगा बेबी को मेंटल रिटार्डेशन होगा। क्या होगा? मेंटल रिटार्डेशन होगा। दूसरा क्या होगा, वहां डीप मिचुअलिज्म होगा। उसके बाद कहा जाए मेंटल रिटार्डेशन, डीप मिचुअलिज्म मतलब, और उसके बाद यह है कि उसके कमी से क्या होगा, उसका जो बॉडी है वो ग्रोथ नहीं करता है। तो वहां डिफिशियंसी की बात करें, लेकिन अगर वहां हम एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में क्या होगा, एडल्ट में होता है कि उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो क्या होता है, डिफेक्ट हो जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है। नहीं, ये हो जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, 28 डेज का होता है और आप जानते हैं कि 14 डेज में क्या होता है, ओवुलेशन होता है। तो वहां 28 डेज में
क्या देखते हैं कि वहां 28 डेज में होता है, एक नॉर्मल साइकिल जो 28 डेज का होता है। अगर ये हाइपोथायरॉइड कमी होगी तो ये क्या होता है, इसका जो लेवल है हार्मोनल चेंजिंग आती है, लो हो जाता है, कभी 20 डेज में होगा, कभी 18 डेज में होगा। ये क्यों होता है? ये होता है हाइपोथायरॉइडिज्म जो है डिफिशियंसी के वजह से, जार्डिन के डिफिशियंसी के वजह से ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन वहीं अगर कहा जाए कि अगर वो इंक्रीज करता है डिफिशियंसी नहीं, तो इसका जब लेवल हाई होता है तो आप जानते हैं इसका जब लेवल हाई होगा तो ये थायराइड में जो नोड्यूल होता है, जो हाई लेवल होता है, ये डिजीज प्रोड्यूस करता है, इसे कैंसर का फॉर्म कर सकता है, कैंसर डिजीज पैदा कर सकता है। ये है इफिशियंसी और इफिशियंसी का कारण। तो ये हुआ आपका थायराइड ग्लैंड। आप देखेंगे कि इसका जो है, ये हमारा जो थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड का रोल क्या होता है, इस थायराइड ग्लैंड का क्या रोल होता है, क्यों जरूरी है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को मेंटेन करता है, हमारे मेटाबॉलिक को क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। दूसरा क्या करता है, ये आरबीसी का फॉर्मेशन भी करता है। दूसरा क्या करता है, ये दूसरा ये करता है कि जो ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, फैट्स को। और दूसरा काम क्या करता है, दूसरा काम करता है कि बॉडी, ये जो थायराइड ग्लैंड है हमारे बॉडी को वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस करता है। ये मेन रोल है थायराइड ग्लैंड का। पहला हुआ इट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी। एक चीज जान लीजिए, एक्टिविटी। दूसरा हुआ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तीसरा हुआ इट कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स। और चौथा क्या करेगा, इट मे वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस। ये रोल है किसका, ये रोल है आपका किसका रोल है, ये रोल है आपका थायराइड ग्लैंड का। किसका रोल है, थायराइड ग्लैंड का। तो आपने देखा कि ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, ये ओवरऑल कहा जाए कि हमारे थायराइड ग्लैंड का रोल मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी में, फॉर्मेशन आरबीसी में, फॉर्मेशन ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस में क्या करता है, ये वर्क करता है। तो ये है थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, वो होगा आपका पीनियल ग्लैंड, वो होगा आपको पारा थायराइड ग्लैंड। जो आप देखा कि ये जो इसे क्या कहा जाता है, इसे पारा थायराइड ग्लैंड कहा जाता है। सबका अपना अपना क्या है, रोल होता है, लेकिन कंट्रोल होता है किसे, हाइपोथैलेमस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पीनियल बॉडी और पारा थायराइड। ओके, थैंक यू।